गुडविल। पार्टनरशिप में हम एक चैप्टर कर चुके हैं अभी तक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर इज गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। अंडरस्टैंड करने से पहले हमें शब्द बताएगा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। बताओगे बेटा शब्द? सर रेप्यूटेशन एक तरह से। रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। यस सर। ओके, हो सकता है। अनुष्का, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? मुझे भी रेपुटेशन ही लगता ओके, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट, रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इन द मार्केट। कैलकुलेशन कहाँ से आ गई फिर उसकी? अकाउंट्स में क्या रोल है उसका? शब्द है शौर्या। सर, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। लास्ट ईयर भी पढ़ा था। ओके, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस बट दे हेल्प इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। यस सर। हाउ डू यू थिंक वी कैन कैलकुलेट गुडविल? शौर्य, सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। वही तो सीखना है सर। ओके, एनीवन? सईश, गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे पे आ जाएंगे अभी? क्या है गुडविल? बोला शौर्य ने, शब ने भी बोला, अनुष्का ने, रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। इंटेंजिबल एसेट है, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर सकता है। सईश क्यों यस सर। कैलकुलेट कर रहे हैं? सर मतलब अगर कभी अपनी कंपनी बेचनी हो या फिर अगर कोई नया ब्रांच खोलना हो तो पता होना चाहिए कि कितना, मतलब नाम के कितने पैसे लगेंगे। वेरी गुड। तो एक एग्जांपल दिया कि सर जब अगर हमने अपना बिजनेस सेल करना हो किसी को तो गुडविल हेल्प करेगी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में, कि यस सर। आपने इतनी मेहनत करके एक ब्रांड जनरेट करा तो कोई आपका बना बनाया बिजनेस क्यों टेक ओवर करना चाहेगा? सही। क्योंकि पहले से ही नाम होगा उस बिजनेस का, तो उन्हें फिर से नाम नहीं बनाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी वो एक लेवल से शुरू कर रहे होंगे। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना चाहेगा आप में से? कोई भी बिजनेस, एक स्टोरी अभी हम करेंगे, कोई स्टोरी का हीरो बनना चाहेगा या हीरोइन? कोई यस सर। अमिताशा, कौन? अमिताशा ने बोला तुझे यस सर। बड़ा शौक है हीरो बनने का, चल बता बेटा कौन सा बिजनेस करना चाहेगी? आइसक्रीम पार्लर खोले ओके सर। या कुछ और बिजनेस? आइसक्रीम पार्लर तो ऑलरेडी है, कुछ और सोचते हैं। सर कुछ भी सर। बुटीक। बुटीक? यस सर। मेरे को बुटीक का ज्यादा आइडिया है नहीं, चलो बुटीक खोलते हैं। सर ठीक कोई है, भी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांच हो। खाना पीना आसान करते हैं ना एग्जाम्पल को। ओके सर। खाने पीने का हमने बिजनेस जॉइंट वेंचर पे खोला तो यस सर। मैंने लगाए पैसे, अमिताशा ने लगाई मेहनत, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, यस तो अब हमारे पास एक, तू यस मत बोल, तू तो स्टोरी का पार्ट है, बाकी लोग बोलेंगे। अब तो ध्यान से देखना क्या किया हमने। खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करना था, कैफे खोला हमने, कैफे कॉफी शॉप, उसमें सैंडविचेस हैं, मल्टीपल और भी छोटे मोटे बेकरी आइटम्स हैं, जो भी है। कैफे का नाम रखा डीसीसी कैफे, स्टूडेंट्स हैं, बहुत टाइम से लोग जानते हैं, तो चल सकता है, यस चल सर। सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है। बट एक ऑप्शन था डीसीसी कैफे, जिसमें डीसीसी के स्टूडेंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन था कि मैंने खोला बरिस्ता या स्टारबक्स या सीसीडी, एक एस्टैब्लिश बिजनेस की चेन फ्रेंचाइजी ले ली मैंने। अब डीसीसी के स्टूडेंट्स को तो डीसीसी के साथ थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होगा, यस और नो? यस अब अगर हम बिगर पिक्चर को देखें कि टारगेट ऑडियंस तो कहीं ज्यादा है, सर। पर्टिकुलर एज ग्रुप है, बट जरूरी थोड़ी ना कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही हो उसमें से भी, जो डीसीसी के स्टूडेंट्स हो, मार्केट तो बहुत बड़ी है, यस और नो? सर
तो डीसीसी कैफे चलने के ज्यादा चांसेस हैं या बरिस्ता सीसीडी, स्टारबक्स तो ज्यादा हो गया, बरिस्ता सीसीडी किसके चलने? बरिस्ता सीसीडी। तुमने मतलब बेचती इतनी जल्दी बरिस्ता? यस सर। रीजन सर उसका ऑलरेडी बेस है मार्केट में, गुडविल, ठीक है ना। अब भाई आप ट्यूशन सेंटर थोड़ी ना खोल रहे सर, आपका नाम है पढ़ाने में। अब जरूरी थोड़ी ना कि कॉफी भी अच्छी बना पाओगे या सैंडविचेस भी अच्छे, खाने पीने की चीजें भी अच्छी होंगी, उस चीज की तो कोई गुडविल नहीं है। यस और नो? यस सर। मच बेटर गुडविल किसकी होगी? बरिस्ता और सीसीडी की और स्टारबक्स की। तो क्या एडवांटेज हुई नाम परचेज करने की? एक जंप स्टार्ट मिलती है। यस और नो? यस सर। मार्केट में पेनिट्रेट करना ज्यादा इजी हो जाता है। यस और नो? यस सर। बट उस एडवांटेजेस पोजीशन पे जाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उनको नाम यूज करने के, क्योंकि वो ब्रांड उन्होंने अपनी मेहनत से जनरेट करी है। यस सर। यस सर। उसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल इज नॉट जस्ट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। ध्यान से सुनना, गुडविल इज नॉट जस्ट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। अकाउंटिंग टर्म्स में गुडविल इज द एडवांटेज, गुडविल इज द एडवांटेज व्हिच अ बिजनेस एंटिटी और अ फर्म गेट्स ओवर इट्स कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट। तो रेपुटेशन की वजह से जो आप एक्स्ट्रा कमा पाओगे, दैट इज योर गुडविल। फर्क समझ आया कि अकाउंटिंग टर्म में गुडविल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? यस सर। द एक्स्ट्रा बेनिफिट, द एडिशनल एडवांटेज और द एक्स्ट्रा रेवेन्यू और द एडवांटेज व्हिच यू हैव ओवर योर कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन इन द मार्केट। गुडविल का मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके चलो, जनरल डेफिनेशन क्या कहती है? डिक्सी की भी है, स्पाइसर की भी है, काफी सारी है, जस्ट रीड। व्हेन अ मैन पेस फॉर गुडविल, ही पेस फॉर समथिंग व्हिच प्लेसेस हिम इन द पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही वुड बी एबल टू डू बाय हिज ओन अनएडेड एफर्ट्स। तो मैं डीसीसी कैफे खोलने की जगह अगर बरिस्ता खोलूंगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि हाँ ठीक है बरिस्ता खोल लेते हैं, अरे भाई फिर तो बरिस्ता वालों से परमिशन देनी पड़ेगी, उनको फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे उनका नाम यूज करने के। yes, तो जो मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा उनका नाम यूज करने के लिए, दैट इज गुडविल। बट उसका मुझे क्या बेनिफिट मिला? इट प्लेसेस मी इन अ पोजिशन ऑफ बींग एबल टू अर्न मोर देन वॉट आई वुड हैव बीन एबल टू अर्न अदरवाइज। Goodwill may be said to be an element arising from reputation, connections, or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected on capital represented. Normally, आप कितना कमाते हो इस industry में? आप extra कमा पा रहे हो, तो that is because of your goodwill. तो goodwill reputation नहीं है, reputation की वजह से जो आप extra profits कमा पा रहे हो वो है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। बार बार आ रहा है ये, गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। बकवास, काम की बात। इट इज द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। इट इज वन थिंग व्हिच डिस्टिंग्विशेस an old established business from a new business at its first start. Lord McNaughton, this is one of the best definitions, matlab elaborate hai, achhi hai. So goodwill, meaning of goodwill clear? Yes sir. Ab dhyan se dekhna, goodwill do tarike ki hoti hai, ek self generated goodwill aur ek purchased goodwill. Goodwill do tarike ki hoti hai, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में लिया, अमिताश और मैंने कैफे खोला,
बरिस्ता का कैफे खोल दिया, तो बरिस्ता वालों को हम फ्रेंचाइजी फी देंगे? यस सर। अब उनके पास्ट एफर्ट्स का बेनिफिट हम ले रहे हैं? यस सर। हमने गुडविल परचेज कर ली, परचेज गुडविल क्लियर है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो किसी का नाम यूज करने के लिए, क्लियर? अब जैसे मैं और अमिताशा कोई बिजनेस कर रहे थे, भव्या ने बोला हम 5 साल से बिजनेस कर रहे थे, लेट अस अज्यूम अमिताशा की भी पार्टनरशिप है टीसीसी में और हम 5 साल से पार्टनर्स हैं, पहले मैं सोल प्रोप्राइटर था फिर हम पार्टनर्स हो गए, 5 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। अब भव्या ने बोला कि मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो, न्यू पार्टनर वॉन्ट्स टू कम एंड ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, यस और नो? यस सर। तो क्या हम आपको ऐसे ही पार्टनरशिप में आने देंगे या हम बोलेंगे कि यार देख अब एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप आ रहे हो तो कुछ आपको जो शेयर एक्वायर करना है 1/3, 1/4 व्हाटएवर, उसके लिए आपको कैपिटल तो सबको देनी है, कैपिटल तो एक अलग चीज है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जस्टिफाइड है? यस सर। यस। तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर कर, एक्स्ट्रा मतलब क्या, कह रहे एक तो नेटवर्थ बनती थी कि अगर आपको 25% शेयर बिजनेस में एक्वायर करना है तो 25% की वैल्यूएशन के हिसाब से जो बिजनेस की वर्थ है उसके 25% आपको देने पड़ेंगे। अब बिजनेस की वैल्यू बन रही थी, नेटवर्थ बन रही थी 25 लाख रुपए, मैंने बोला यार आपको 30 लाख देने पड़ेंगे, 5 लाख तो हम एक्स्ट्रा लेंगे लेंगे, अब इतनी मेहनत करी है हमने, तो जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं दैट इज फॉर गुडविल, परचेज गुडविल जब आप एक्चुअली उस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो। तो भव्या हमारे बिजनेस में आई, हमने जो गुडविल जनरेट करी थी वो परचेज थी या सेल्फ जनरेटेड? सेल्फ जनरेटेड। बट भव्या ने जो एक्वायर करी, जो भव्या ने परचेज करी, भव्या वो आपके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज? परचेज। फर्क समझ आया सेल्फ जनरेटेड और परचेज में? यस सर। परचेज गुडविल इट इज दैट गुडविल फॉर व्हिच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। तो हमने जब बरिस्ता का नाम यूज करने के लिए फ्रेंचाइजी फी करी थी तो हमने गुडविल परचेज करी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, अब एक और एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस परचेज कराइए, मैंने आपको अभी नेटवर्थ का एग्जाम्पल दिया था, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन, तो एग्जाम्पल समझते हैं, एसेट्स थे बिजनेस के 20 लाख, लाइबिलिटीज थी 5 लाख और परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है अनुष्का? अनुष्का परचेज कंसिडरेशन मतलब सर जो हमें पे करना है पार्टनर बनने के लिए। वेरी गुड, एक्विजिशन प्राइस, पार्टनर बनने के लिए हम कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो जो भी पेमेंट आप कर रहे हो एक्विजिशन प्राइस, एसेट्स 20 लाख है, लायबिलिटीज 5 लाख है, तो नेटवर्थ आपकी कैपिटल ही होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए नेटवर्थ वर्ड यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यस और नो? यस सर। एसेट्स अगर 20 लाख है, लाइबिलिटीज अगर 5 लाख है, तो बिजनेस की नेट वर्थ आ कितनी रही है 15 लाख? यस सर। 15 लाख का बिजनेस आप 25 लाख में टेक ओवर कर रहे हो तो गुडविल कितनी हुई, एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए आपने बिजनेस एक्वायर करने के लिए? 10 लाख। यस सर। तो फॉर एग्जांपल व्हेन द बिजनेस इज परचेज्ड and the purchase consideration is more than the value of net assets, net worth, the difference amount is the value of purchased goodwill. कोई भी doubt? No sir. ठीक है, ये self-generated goodwill क्या होती है? Self-generated goodwill जो आपने अपने effort से generate करी है, जैसे अगर मेरा अपना coaching center है तो अगर मैंने कोई गुडविल जनरेट करी है तो वो परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? क्या मैंने किसी का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर करके आगे काम किया या खुद बिजनेस क्रिएट करा? खुद बिजनेस करा।
तो वो हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स. इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज favorable location, efficient management, good quality of products that a running business possesses due to which it is able to earn higher profits. Difference between purchase goodwill and self-generated goodwill clear? Yes, sir. Ab dhyan se dekhna. As per AS 26, accounting standard 26, as per AS 26 का नाम क्या है? Intangible assets. It prescribes that purchased goodwill may be recognized in the books of accounts and written off at the earliest, but within the estimated useful life. Written off जैसे हम tangible assets को depreciate करते हैं, intangible yes. assets को amortize करते हैं. Amortization, writing off. Amortization, intangible assets के जो fall or decrease in the value of an asset, fall or decrease in the value of an asset, depreciation, depreciation word is used for tangible assets, intangible assets के लिए word use होता है amortization. Point क्या है? Point ये है कि AS 26 क्या है? Accounting standard 26 क्या बोलता है? नाम क्या है उसका? Treatment of intangible assets. वो बोलता है कि ओनली एंड ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे थे कि परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है. तो पॉइंट हमने क्या सीखा? AS 26 क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ intangible assets. क्या कहते हैं treatment of intangible assets? Only purchased goodwill will be recognized, मतलब recorded in the books of accounts. We can also say that Self-generated goodwill will not be recorded. Self-generated goodwill will not be recorded in the books of accounts. AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है अनुष्का? AS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट या कोई और बॉडी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है? तो याद नहीं. कोई और ट्राई करना चाहेगा? इश्यूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय एनीवन? जल्दी बोलो एनीवन. द्विज, सुहानी, हर्षिता, मैं बोलूं? बोल. यस सर. आई सी ए आई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. CA इंस्टीट्यूट इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. चौर्या मैसेज करके बोल रही है. बोल देती बेटा वैसे ही मुंह खोल के, कोई बात नहीं. मीनिंग ऑफ गुडविल, मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल, मीनिंग ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है ओनली एंड ओनली परचेज गुडविल. ओनली एंड ओनली परचेज गुडविल
will be recorded in the